गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू योर चैनल ट्रैवल ट्रीट्स विद गौरव। तो आज हम जा रहे हैं वापस इंडिया। फ्लाइट 2 बजे की है तो 3 घंटे पहले पहुंच ही जाएंगे। तो यार, हमारा ओवरऑल ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही मतलब डिफरेंट प्लेसेस हैं यहाँ पे, जैसे सिगिरिया रॉक और उसके बाद फिर नुवारा एलिया, वो माउंटेन एरिया इज़ लाइक मुन्नार से भी सुंदर है, या बेंटोटा लवली बीचेस, बहुत अच्छी रिवर सफारी है, और वन मोर थिंग रियाला नेशनल पार्क। सो आई विल हाईली रिकमेंड टू विजिट श्रीलंका। इट्स सो ब्यूटिफुल टू सी, लाइक यू नो कि आफ्टर राजपक्षा वी हैड क्राइसिस हियर इन श्रीलंका, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। मतलब अभी ये वापस नॉर्मल स्टेट में आ रहे हैं, बिकॉज पहले तो जो चीज़ 300-400 रुपीस की मिलती थी, अब वो 1100-1200 की है। तो कोविड की वजह से भी, और वो राजपक्षा जो पॉलिटिकल पार्टीज थी तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत दिक्कत हुई है। लोग बड़े ही परेशान थे उस टाइम पे। दे आर डूइंग अ हार्ड जॉब हेयर टू सर्वाइव। आई वॉन्ट टू प्रमोट टूरिज्म इन श्रीलंका, यू शुड डेफिनेटली विजिट। दिस आर ड्राइवर रहमान, he is really a polite guy, a honest guy, so I will put Rahman's number into our blog. If you want to come in Sri Lanka, you guys can directly contact him and he will completely guide you. He is such a polite person. Like from last 6 days we don't had any problems with him. जैसे हमारे वहाँ पे होता है ना, येलो नंबर प्लेट जो होती हैं वो टैक्सीज की होती हैं, वाइट में जो होती हैं वो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, पीछे वाली नंबर प्लेट येलो में है और आगे वाली वाइट में है, सो सारे व्हीकल्स एक जैसे ट्रीट किए जाते हैं। दे आर नॉट कैटेगराइज्ड कि कौन सी टैक्सी है या कौन से प्राइवेट व्हीकल्स हैं, बट लाइट वेट और हैवी वेट के अंदर कैटेगराइज किया जाता है बाय देयर नंबर्स। और इंडिया के लिए एक चीज़ बहुत अच्छी है, जैसे फॉरनर्स के लिए उनको थोड़ा चार्ज ज़्यादा किया जाता है, बट फॉर इंडियंस दे प्राइजेज ऑफ हाफ 50% कर देते हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर में अपना क्या है कि डीजल व्हीकल्स 10 ईयर्स तक और 15 ईयर्स तक पेट्रोल व्हीकल्स, यहाँ पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है बिल्कुल भी। कितने भी साल तक व्हीकल चलाओ, पॉल्यूशन चेक होता रहेगा टाइमली। तो यहाँ पे जैसे मैंने 1993 की भी एक कार देखी थी, मतलब 30 साल हो गए उसको चलते हुए, तो वो रोड पे नॉर्मली चल रही थी, उसको कोई ऐसे रोक नहीं सकता। दिल्ली में तो जब्त कर लेते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ की, लोगों में यार पेशेंस लेवल बहुत ही अच्छा है। कार जो है वो बहुत ही हाई रेट्स में मिलती हैं, क्योंकि 300% टैक्स है कार्स पे। तो अगर आप नॉर्मल कार लेने भी जाओगे ना, कोई जिस कार में मैं अभी हूँ, टोयोटा की प्रियस कार है टोयोटा की, तो ये अभी नई जो आ रही है ना वो 2.5 करोड़ की आ रही है। तो इफ़ यू टॉक इन इंडियन रुपीज़, 60 लाख रुपीज़ की कार है, सेडान कार है, जो इंडिया में इट वुड कॉस्ट 20 लाख। फाइनली एयरपोर्ट पे आ गए हम। एयरपोर्ट है, फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं श्रीलंका के। और यार देखो, तुम्हें मालूम है बिल्कुल ही जेन्युइन फीडबैक देता हूं, तो बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक, श्रीलंका इज़ अ नाइस प्लेस टू विज़िट और हमें यहां पे इनका टूरिज़्म बढ़ाना चाहिए। सर्वाइव करने में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो यहां का टूरिज़्म बढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर है श्रीलंका। और इस ब्लॉग के बाद आप देखोगे ना, मेरे बाकी जितने भी सारे ब्लॉग्स होंगे ना, उसके अंदर श्रीलंका का सिगिरिया, बेंटोटा, नुवारा एलिया, कैंडी, इन सब के जो भी ब्लॉग्स रहेंगे ना बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को ज़रूर देखें, पूरा आइडिया मिलेगा आपको श्रीलंका में कैसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको। तो इस ट्रिप पे हमने पूरा ही श्रीलंका घूम लिया है, ट्रायंगल में पूरा हमने मेजर सिटीज़ हमने सब कुछ कवर कर लिए हैं इसके अंदर, कैंडी, कोलंबो, नुवारा एलिया, सिगिरिया, बेंटोटा, इंडिवरा, तो हमने सब कुछ कवर कर लिया है श्रीलंका के 6 दिन के 6 नाइट्स के ट्रिप में।